दोस्तों, JNU-SU इलेक्शंस 2024 ख़त्म हो चुका है और छात्र संघ के इस चुनाव में JNU यूनिवर्सिटी में NSUI की जो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट थी वो फरीन जैदी हैं, जो यहाँ पे JNU का एक साइंस सेंटर है, नैनो साइंस, वहाँ पे ये PhD कर रही हैं और इनका संबंध जो है वो जयपुर से है। तो फरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने के लिए हमसे रजामंदी जाहिर की। तो चुनाव लड़ने का मतलब ख्याल जो है NSUI की तरफ से कैसे आया? जनरली ये समझा जाता है कि साइंस के जो बच्चे होते हैं सिर्फ पढ़ेंगे, उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली जो आपका लास्ट सेंटेंस है वही मेरा आंसर है जी, कि लोगों को लगता है कि जो यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं वो शायद पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते जी। तो मुझे लगता है कि साइंस वालों के जो मुद्दे हैं वो कभी भी यूनियन तक पहुंच नहीं पाते उस तरह से जिस तरह से हम लोग फेस करते हैं अपने सेंटर पे, अपने लैब्स में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक मेरा मुद्दा साइंस था और दूसरा मुद्दा मेरा था एज अ मुस्लिम फीमेल कैंडिडेट। मैंने मुस्लिम महिला कैंडिडेट बहुत कम देखी है कैंपस में जो इस तरह से एक्टिव हो। तो मुझे लग रहा था कि वैसे आपको पता ही है मुसलमानों की हालत किस तरह है इंडिया में, तो हम शायद मुसलमानों की वो 1% खुशनसीब बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं इतने ऊपर तक। तो मुझे लग रहा था कि अब इसमें जब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, जिन जैसी जगह पर हूँ, तो शायद मुझे आवाज़ बनना चाहिए लोगों की, उन लोगों की जो पिछड़े हैं, उन लोगों की जो हमारे यहाँ जहाँ से मैं उठ के आई हूँ उन लोगों की आवाज़, मुस्लिम की आवाज़, महिलाओं की आवाज़। तो मुझे लगा था कि अगर मुझे ये मौका मिला है तो मुझे शायद इस मौके को इस तरह से यूज़ करना चाहिए या लेना चाहिए कि मैं लोगों की आवाज़ बन पाऊँ, और ऐसे लोगों की आवाज़ जिनकी आवाज़ बहुत कम, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है पूरे इंडिया में। अच्छा फरीन, अगर आप डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि मुसलमानों में जो एजुकेशन जो है वो काफ़ी कम है, महिलाओं में, ख़वातीन में तो और भी कम है, और ख़ास कर साइंस जैसे डिसिप्लिन में और भी मुस्लिम महिलाएँ कम हैं। तो आप साइंस पढ़ती हैं, आप ड्रग्स और दवाई के बारे में रिसर्च करती हैं जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है, तो ये पढ़ाई लिखाई में इतना आगे बढ़ने के लिए किस किन्हों ने आपको मतलब कि आपको आपके अंदर में हौसला पैदा किया, कैसे मुमकिन हो पाया? एक्चुअली मैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को फॉलो करती हूँ बचपन से ही, और मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, और जब जैसे भी आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन के बारे में सुना होगा जो बंद हो गया जस्ट नाउ, जब मैंने 10th किया था अपना तो 11th में मुझे साइंस चाहिए था, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो सरकारी स्कूल में साइंस नहीं हुआ करता था, सिर्फ आर्ट्स था और कॉमर्स भी नहीं था। तो मैंने आर्ट्स ले लिया था अपने 11th में, और मैं आर्ट्स मतलब वहाँ ह्यूमैनिटी बोलते थे, ह्यूमैनिटी में कुछ ही सब्जेक्ट हुआ करते थे, फाइन आर्ट्स वगैरह, तो मैंने वो ले लिया था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं साइंस था क्योंकि 10th में मैंने टॉप किया था, साइंस में मेरे 100 और मैथ्स में 100, दोनों में 100 मार्क्स थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि घर की फाइनेंशियल हालत इस तरह से नहीं थी कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में जा पाऊँ या चेंज कर पाऊँ। एक दिन मैंने मेरे दरवाजे पे पोस्टमैन आए और एक चेक आया, हमें नहीं पता था वो चेक कहाँ से आया है। 11th के 3 महीने गुजर चुके थे और 10th के रिजल्ट के बेसिस पे मुझे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिली थी। वो चेक 12,000 का था, एंड आप यकीन नहीं करेंगे वो 12,000 शायद मेरे लिए आज 12 लाख के बराबर हों। मैंने 12,000 का वो चेक देखा और बस मैंने उस दिन सोच लिया कि मैं जाके किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लूँगी, और जाके मैंने अपनी वो जो 3 महीने की ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई थी उसे छोड़ा और एक प्राइवेट स्कूल में जाके जहाँ साइंस पास में अवेलेबल थी वहाँ जाके एडमिशन लिया उस 12,000 के चेक से। और जब मुझे पता चला कि अगले साल फिर मिलेगा क्योंकि 11-12 दोनों में मिलता है, तो मैं और खुश हो गई कि अब मेरी दोनों साल की फ़ीस हो जाएगी। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था कि मेरे को इतना बड़ा ऑप्शन मिला और मैंने साइंस लिया, और साइंस में पता मैं एक अच्छे स्कूल में जा पाई, और फिर वहाँ से लगातार मुझे गाइडेंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू के मिलती रही। 12th के जस्ट बाद जब लोग कोचिंग करते थे तो मुझे भी कोचिंग करने का मन था, बट फिर वही था कि फाइनेंशियल हालत उस तरह से नहीं थी। तो मैंने, आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा जी, जी, जी। मैं सुपर 30 में मैंने एग्ज़ाम दिया और राजस्थान में हम 30 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से मैं एक थी, और मैंने सुपर 30 में एक साल तैयारी की। सुपर 30 में पहली बार मेडिकल की तैयारी करा रहे थे, पहले IIT की तैयारी कराते थे, उन्होंने एक ही साल मेडिकल की तैयारी कराई और उसमें शायद मेरा मेडिकल तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत मिला। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन पता चले कि आप अगर आप MBBS नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो आगे, और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो मुझे लगता है सुपर 30 वॉज माई टर्निंग पॉइंट, जिसने मुझे JNU और दिल्ली की तरफ का रास्ता दिखाया कि बाहर जाया जा सकता है पढ़ने के लिए, और उन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने का भी हिम्मत दी जिनमें शायद मैं अपने समाज में और अपनी सोसाइटी में वहाँ बंधी हुई थी।
तो यही मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए कि मौलाना आज़ाद जो फेलोशिप है या जो स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ को जो पिछली सरकारें जो देती थी, ये जो नई सरकार है वो इन सारे स्कीम को या तो कम कर दिया है या तो ख़त्म कर दिया है। और जो बजट जो है शिक्षा पे, जो बजट है, जो एजुकेशन पे, तालीम पे जो सरकारी खर्चा है वो कम करते चली जा रही है। और आप देखेंगे कि अगर वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता इनको तो फिर ये साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाती। यानी ये फरीन की ज़िंदगी इस बात की अलामत है, इस बात की गवाही दे रहा है कि हम स्कॉलरशिप पे अगर एक रुपया भी अगर हम कम करते हैं तो हम कितने बच्चों की ज़िंदगी को हम बर्बाद करते हैं। अच्छा, साइंस के बारे में तो आपने बताया कि आपका आपकी जर्नी थी काफ़ी मुश्किल थी। अब ये बताइए कि जो सियासी बेदारी है, जो पॉलिटिक्स है, जो समाज के बारे में सोचना है, इसको साइंस से अलग करके देखा जाता है और समझा जाता है कि जो साइंस के पढ़ाकू बच्चे हैं उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर में ये देश दुनिया राजनीति की चीज़ें कहाँ से इसका मतलब इसका ख्याल कहाँ से आया? JNU, मतलब इस JNU से पहले मैं भी वही पढ़ाकू लड़की थी और मतलब अभी भी हूँ शायद कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैं JNU आई 5 साल पहले 2019 में अपना मास्टर्स करने के लिए, तो जब पहला इलेक्शन देखा, 4 साल से तो इलेक्शन खैर इन्होंने होने नहीं दिया तो पता भी नहीं चला, लेकिन हमने एक इलेक्शन 19 वाला देखा है, तो फिर एक मूवमेंट देखा, तो देखा कि इतना जम के लड़ाई की, हम खुद जोर बाग गए, हम हर हर मूवमेंट में मैं गई, तो वहाँ जाके लगा कि लड़ा तो जा सकता है। मतलब अगर आपको अपना स्पेस बनाना है तो आपको उस सियासत में उतरना पड़ेगा। आपको अगर लोगों की आवाज़ बननी है तो पहले आपको उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो मेरी जितनी भी सियासी समझ, जितनी पॉलिटिकल नॉलेज है मेरी, वो सब मेरा JNU ही है। JNU से पहले मुझे तो शायद लेफ़्ट राइट का मतलब भी पता नहीं था, लेकिन जितना भी मुझे अपनी नॉलेज यहाँ की टॉक से मिली, यहाँ के लोगों से मिली, कोई एक पार्टी विशेष नहीं, लेकिन हर पार्टी की तरफ से मैंने, जब हम आए यहाँ नैनी, हमने देखा कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और चीज़ें दे रहे हैं, मतलब हमारा हर तरह का हमारा हेल्प कर रहे हैं, हमारा फॉर्म भर दे रहे हैं, तो मुझे लगा यार कितने अच्छे से लोग हैं, ये लोग सब काम कर दे रहे हैं हमारा। और मतलब फिर हॉस्टल नहीं मिल रहा था तो मैं बहुत परेशान थी, कि भाई घर से ये था कि अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो दिल्ली नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम हमारे ख़ानदान से पहली लड़की हैं जो बाहर आके पढ़ रहे हैं। तो वो सब यहाँ आके इतना अच्छा होमली जो यहाँ का एक इन्वायरमेंट देखा, तो लगा कि शायद मुझे ये सब करना चाहिए जिससे मैं ये चीज़ें आगे प्रोसीड कर सकूँ लोगों को, आने वाले जनरेशन्स को। और जिन्होंने मेरे लिए किया, अब शायद गिव बैक करने का टाइम है, मुझे अब उनका जैसा बनना है और लोगों को देना है वापस। अच्छा, इस कैंपस में आपने NSUI को मतलब ज्वाइन करने की, उसकी रुकनियत हासिल करने की, ये क्यों सोचा आपने? और आप दूसरी तंजीम में भी जा सकती थी, आप लेफ्ट में जा सकती थी, आप ABBP में जा सकती थी। मैं लेफ्ट सिंपथाइज़र रही जी सालों से, लेकिन मुझे कुछ कमी दिखी लेफ़्ट में जी, कि लेफ़्ट ने कहीं ना कहीं टोकनिज्म की राजनीति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमेशा वो मुसलमान कैंडिडेट देते हैं JS की पोस्ट पे मोस्टली, और वो कैंडिडेट भी वो लोग शायद पता नहीं इतना वोकल नहीं देते या किस तरह नहीं देते, कि वो लोग जब मानव बंद हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे इन्होंने नॉननेट के टाइम पे 2016 में UGC को घेरा था और अपना काम कराया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं मानव में एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी जो मुसलमान मोस्ट ऑप्रेस क्लास है सोसाइटी की, इंडिया की, आपको पता होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो हम लोगों के साथ खड़े होंगे कहीं ना कहीं, और मानव के प्रोटेस्ट शायद वो UGC तक लीड करेंगे और इस मानव जो फेलोशिप है उसको ये वापस लेके आएंगे। बट मुझे उस तरह का एक्टिविटी उनमें दिखी नहीं। उन लोगों ने क्या किया कि एक टी पॉइंट पे पुतला जलाया, दो नारे लगाए और बात ख़त्म कर दी। तो मुझे तो ये कहीं से भी सेंसिबल ही नहीं लगा। जब आपको पता है किसी कम्युनिटी की इतनी बुरी हालत है और उसका फाइनेंशियल इतना खतरनाक बजट कट हो जा रहा है और इतना फासिस्ट तरीके से हो रहा है कि वो कह दे रहे हैं कि अब उन्हें अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि उन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया, उन्हें कुछ नहीं पता। एक आता है स्टेटमेंट कि हम मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन बंद कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान आर ऑलरेडी अपलिफ्टेड। इतनी बड़ा मुद्दा हो गया, कोई बड़ी टॉक क्यों नहीं कराई लेफ्ट ने? लेफ़्ट ने कोई प्रोटेस्ट लीड क्यों नहीं किया? SU था यहाँ पे, वो चाहते तो मोबिलाइज़ करा सकते थे लोगों को, बट उन्होंने क्यों नहीं कराया? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुस्लिम टोकनिज्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात आती है पर्टिकुलर रिलीजन पे बात करने की तो वो शायद मुसलमानों के हितों की बात नहीं करते हैं। जब हितों के लिए खड़ा होना होता है तो शायद वो नहीं खड़े होते हैं, लेकिन जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो मुसलमानों को उस तरह यूज़ करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही फरीन ने कि ये लेफ़्ट यानी वामपंथी लेफ़्ट पार्टियों की ये सिंपथाइज़र रही हैं,
लेकिन जब स्कॉलरशिप बंद हो गया, जब मुसलमानों के बच्चों से जो वजीफा है जब वो छीन लिया गया, तो इनका कहना है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिस तरह से मुजाहरे होने चाहिए, जिस तरह से आंदोलन होना चाहिए, लेफ्ट ने वैसा नहीं किया और फिर उसके बाद इन्होंने NSY ज्वाइन करने की बात सोची। फरीन, एक और बात बताइए कि ये जो पॉलिटिक्स, जो देश की जो राजनीति है, उसमें बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम सीट जीत लेंगे, हम मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, BJP करें हम 400 से पार चले जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं और मुसलमान महिला को तो टिकट देना और भी दूर की बात है, तो आप इसको कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी में रह के? सर, मुसलमान एक्चुअली जिसकी राजनीति ही मुसलमानों पे चल रही है, मतलब उनका राजनीति का मेन मुद्दा ही यही है कि मुसलमान हेट, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन आपको पता होगा, जब पोल बनते तो दोनों बनते हैं, वो माइनस जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तो उनका प्लस बनेगा ही नहीं, और उनका प्लस है 80% जनता, तो माइनस क्रिएट करने के लिए अगर वो 20% को ऑप्रेस, जितना ऑप्रेस कर सकते हैं वो उतना ऑप्रेस करेंगे। बट मेरी जो पुकार है, मेरा जो एक कॉल है, वो लोगों से है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी और अगर किसी भी चीज़ में हमारा देश किसी भी तरह से पीछे होगा, तो वो खाली 20% मुसलमानों के लिए नहीं होगा, वो सारे 100% लोगों के लिए होगा और मुसीबत हम सब साथ उठाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कॉल अभी देश का है, हमारे देश की जनता का है, कि वो सोचे कि 10 साल से वो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और अब उन्हें हिंदू मुसलमान क्या, मुसलमान ही कर रहे हैं एक तरह से ऑपरेस कर करके। अब उन्हें ये समझना चाहिए कि कब तक आपने देश को, ऑलरेडी आपने देखा होगा PSU सारे चले गए, सब बिक गए, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे उनमें कोई जॉब्स नहीं निकल रही है, IES वाला जो एग्ज़ाम होता था उसमें सीट्स कट कितना हो गया है, पहले 200 से 300 सीट निकलती थी, अभी 50 सीट निकलती हैं। तो ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि जो नुकसान है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ न्यूज़ चैनल और गोदी मीडिया दिखा रहा है कि वो हेटर्ड है उनके मन में, बट जो नुकसान लार्ज लेवल पे हो रहा है वो एक मेजॉरिटी का ही हो रहा है। उन्हें ये समझना पड़ेगा और ये मेरा कॉल बाकी सब मेजॉरिटी से कि वो इस चीज़ को तरीके से समझें और इस बार जब वोट दें तो इस तरह से दें कि जो ये फासिस्ट सरकार है इसे ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, आपने देखा ही है कि BJP जो है वो मुसलमानों को इस बार भी टिकट नहीं दे पा रही है, शायद एक ही जगह से ऐलान हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक, केरल से, और वहां पर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब रैली गई तो अखबार में खबर आई कि जो मुस्लिम कैंडिडेट BJP के थे उनको कहा गया कि आप रैली से दूर रहें ताकि वो जो मुसलमान का चेहरा जो है वो BJP की रैली में ना दिखे और BJP अपने आप को ये साबित करे कि वो हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर BJP और दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं, राइटिस्ट पार्टियां हैं, अगर ये मुसलमानों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर रही है, उनको पॉलिटिकली अनटचेबल बना रही है, तो सेकुलर पार्टियां भी हैं, वो भी कह रही है कि अभी मुसलमानों का नाम मत लो, सत्ता में आ जाएंगे तो भले कुछ कर लेंगे। आपको लगता है कि इस तरह की मेंटालिटी उनके जहन में भी है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है लीडरशिप में नहीं है वो मेंटालिटी, जो कि लीडर है मेन, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने भी चीज़ों को सुना कि इस तरह की उनकी मेंटालिटी है। बट मैंने जितना भी राहुल गांधी जी को देखा, जब भी वो टॉक करते थे उन्होंने CA पे भी खुल के बोला, और जैसे जो प्रियंका गांधी, उन्होंने फलस्तीन को भी बहुत खुल के सपोर्ट किया, इसराइल को कंडेम भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो कहीं भी इस चीज़ को मानती है कि हम मुसलमानों को अभी नहीं बोलेंगे या बाद में बोलेंगे। वो लोग जब बोलने का वक्त आता है तो बोलते हैं, और वो मैंने उनके ट्वीट्स में देखा है, मैंने डायरेक्ट में नहीं मिली हूँ कभी भी, लेकिन मैंने उनके ट्वीट्स में देखा है, उनकी आवाज़ों में सुना है कि वो खुल के स्टैंड लेते हैं, तो चाहे उन पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगे या ना लगे, तो कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, आजकल जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं चीज़ों से डरती हैं, चाहे वामपंथी पार्टियाँ हों चाहे सेंट्रल पॉलिटिक्स हो, वो कहीं ना कहीं डरती हैं कि ज़्यादा मुसलमान इस तरह से ना दिए जाएं। फिर भी NSY ने यहाँ पे 2 मुस्लिम कैंडिडेट एक साथ दिए, जबकि सब लोग इस टाइम इस्लामोफोबिक का टाइम चल रहा था, लेकिन तब भी NSY ने दिया, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि JNU-SU के इस बार के चुनाव में NSY ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट को सेंट्रल पैनल में उतारा था, प्रेसिडेंट के लिए भी और जनरल सेक्रेटरी के लिए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़े बड़े लीडर थे, जो कल तक अपने आप को सेकुलर कहते थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी आगे भी बढ़ाया, चुनाव आते वक्त अब वो लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी पार्टी है, और वो फिर दूसरे कैंप में चले जा रहे हैं और सेकुलरिज्म के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये क्या राहुल गांधी की लीडरशिप की कमज़ोरी है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने गलत लीडरों को अपने अंदर में रखा हुआ था, जो लोग अब वक्त आने के बाद अब उसी कांग्रेस पार्टी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं?
सर, अगर आपको पता हो जिस तरह से अगर बात राजनीति की होती तो अगर दोनों पार्टीज मुद्दों पे बात कर रही होती तो मैं आपसे शायद इस चीज़ का आंसर बहुत न्यूट्रल तरीके से दे पाती। लेकिन जब एक इंसान रिलीजन पे बात कर रहा है और एक इंसान मुद्दों पे बात कर रहा है, तो आपको ऐसे पॉलिटिक्स पता होगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी, जब बात रिलीजन की आती है तो लोग बहुत सेंटीमेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, वो सोचने समझने की अपनी क्षमता को थोड़ा कम कर लेते हैं और रिलीजन की तरफ अपनी मोहब्बत को कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। ये हर तरह के रिलीजन में है। तो यही जब बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है सिर्फ सूडो हिंदुत्व की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सूडो हिंदुइज्म को अपने आप को मानते हैं कि हम प्रो हिंदू हैं, तो वो जो एक उन लोगों ने एक सेंटिमेंट लोगों में बना दिया है कि तुम दो रोटी कम खा लो लेकिन हिंदुइज्म को सपोर्ट करो, तो वो कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट लोगों को शायद दूसरी पार्टी से यहाँ लेकर आ रहा है कि शायद वो चाहते हो कि हम अपने हिंदुइज्म को सर्व करना चाहें, जबकि उन्हें असलियत में पता ही नहीं है हिंदुइज्म है क्या और उसे सर्व किस तरह करना है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक रीज़न लगता है लोगों का वहाँ से यहाँ आने का। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर में एक तरह की जो यूथ हैं वो उनके अंदर में पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है या तो कम पाई जाती है, या उनके वालिदैन जो हैं ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, और महिलाओं में ख़वातीन में तो वो अवेयरनेस कम ही पाई जा रही है या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रही हैं। आप जेएनयू में आई, इस बड़े इदारे में पढ़ी, पढ़ाई में भी नाम किया, चुनाव भी लड़ी, आपके जो स्पीच थे उसको भी काफ़ी लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ़ की, तो जो नौजवान जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देंगी कि क्या सियासी बेदारी पैदा करना ये ठीक है या फिर इससे दूरी रहना चाहिए? नहीं नहीं मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा एक मिथ है। लोग डर चुके हैं अखिलेश, शर्जील, उमर और आफरीन के बात से कि, और नजीब भी, जिस तरह लोग गायब हो रहे हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स शफूरा का भी आपने सुना होगा, कोई भी अगर मुस्लिम लीडर उठने की कोशिश करता है तो ये सरकार उस पर या तो यूएपीए लगा देती है या उसको कोई संगीन इल्ज़ामों में अंदर बंद कर देती है, तो जिससे यूथ भी डर गया और पेरेंट्स भी डर गए। मुसलमान ऑलरेडी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हैं कि अब वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा जेल जाए। अगर बच्चा जेल जाएगा तो जो घर की रोटी आ रही है रोज़ वो कौन लेके आएगा, क्योंकि उनकी जो कमाई है आजकल आप मोस्टली देखिएगा लेबर क्लास है, रोज़ की कमाई का सिस्टम है, सुबह जाते हैं शाम को कमाई लेके आते हैं, पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत कम है, तो वो जो रोज़ का लेबर है अगर उनका बच्चा जेल चला जाएगा तो वो लेबर जो जिससे वो कमा रहे हैं घर की रोटी चल रही है वो कैसे आएगी। लेकिन हमें ये मिथ बदलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि वो तीन चार लोगों को दबा देंगे और आप चुप हो जाएंगे तो वो तो यही चाह रहे हैं ना कि आप चुप हो जाएं। आपको अपनी आवाज़ बननी पड़ेगी, और आपको अगर लगता है कि कोई और आपकी लड़ाई लड़ लेगा तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना आप हम लोगों की सोच है कि हमारी लड़ाई कोई लड़ लेगा, क्योंकि अपनी लड़ाई हम सबको खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक ही तरह के लोग बैठ के, एक ही तरह के लोग उसे डिस्कस करके, हमारे ही मुद्दों पे वोट लेके, हमारी ही चीज़ों को बोल के सत्ता में आते हैं और करते कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है मुसलमानों का वोट हमारी तरफ है, वो तो बीजेपी की तरफ जाएगा ही नहीं कभी भी। तो आप लोगों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर हमें हमारे मुद्दे उठाने हैं पार्लियामेंट में, हमारे मुद्दे देश में उठाने हैं, हमें हमारे मुद्दे से मेरा ताल्लुक है मुसलमान कम्युनिटी के जो एक पर्टिकुलर मुद्दे हैं, तो हमें अपना फेस खुद बनना पड़ेगा, और उस फेस बनने के लिए हमें पॉलिटिक्स में आना बेहद ज़रूरी है। तो मेरी इल्तिजा है सब मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ से कि प्लीज़ आप एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कीजिए, और वो पार्टिसिपेट इस तरह होना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी को दिखे और एक आप उनके लिए एक तरह का एक एग्जाम्पल बने। सो आखिरी सवाल हम आपसे ये लेंगे, आप सियासत, आपको सियासत में एक्सपीरियंस हो चुका है, आप इलेक्शंस लड़ चुकी हैं, तो आप आगे का जो करियर है, आगे की जो ज़िंदगी है, उसमें आप एक रिसर्चर बनना चाहेंगी या राजनीति की तरफ जाना चाहेंगी? वैसे मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना। एक्टिविज़म मैं हमेशा करूँगी, मैं लोगों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ तक आई हूँ, मैंने शायद अपने एकेडमिक करियर पे भी इस तरह का एक लगाया है कि मैं राजनीति करियर में हूँ, तो मुझे लगता है एक्टिविज़म मैं सदा करूँगी सबके लिए, किसी की भी आवाज़ बनने की, किसी भी पिछड़े की, मुसलमान की, माइनॉरिटी में किसी भी कम्युनिटी की, या किसी भी महिला की अगर आवाज़ बनने का मौका आएगा तो मैं ज़रूर वो आवाज़ बनूँगी। और मैं राजनीति का अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन हाँ मैं एक्टिविज़म में हमेशा एक्टिव रहना चाहती हूँ और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।